मौसम थोड़ा खराब लग रहा है मुझे कि हो जाना आज इंशाल्लाह बारिश नहीं है। नहीं है, आप देख के आई थी क्लास में? नहीं है, और ये बता था कि शाम तक क्लियर हो जाएगा। नहीं, 5 बजे धूप लग जाएगी, 6-7 बजे धूप रहेगी। हाँ, मून भी नजर आएगी। सही सही, छतरी हमारे नीचे पड़ी हुई है। और आंटी ने, आपने आज भी फेमस समोसे जो है वो साथ रखे हैं। दीदी शॉपर उठाया। आंटी आप हील पहन के चल रही हैं? हील छोटी होगी मेरी, इतनी लंबी हील। मेरा हस्बैंड इज 6 फीट टॉल। हम आ गए हैं बीच पे आज, और इतने मजे का वेदर है गाइस, ऐसा लग रहा है पेंटिंग हुई हुई है ना, पेंटिंग हुई हुई है ऐसा लग रहा है। ये जूते पहने मैंने पे क्योंकि मैं कोई सैंडल नहीं लाई साथ। अभी जी सारे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और वो एक दफ़ा ज़रा बादल देखें कितने मज़े के हैं। सबसे मज़े के तो बादल लगे हैं। कौन पानी का मुआयना करे? गोरे पानी का मुआयना करे यार, कितने मज़े के बादल ही हैं बस मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो ये पिजन है क्या है? कबूतर। कैसे उधर जाएगी? उधर हाल क्या हो गया? दोनों के नख, पैरों के दोनों का हाल खराब हो गया। पानी के अंदर जाओ ना थोड़ी थोड़ी। जाते हैं, आगे जाने। गीला हो गया ट्राउजर? हाँ ये भी है। इतनी तेज आवाज चल रही है मेरे बाल उठते यहीं पे जा रहे हैं। बीच पे आई मैं, तस्वीरें नहीं बनवा सकती बीच पर, मैंने रुशा बना ना इसके है ना पिक्चर्स के लिए स्पेशली। अब चलो अभी हम कहीं और भी चल के जाएंगे, ठीक है? मुझे खाना बुला रहा है। मैंने डेट डाल दिया अपने पेरेंट्स साथ। मुझे नहीं पता था। अंडे हम मेहमान हैं आपके। ये देखो आपके मेहमानों की कैसी लगी। हम आपके मेहमान हैं, मैं भी मान ली। अगर किसको कोच चाहिए तो मैंने अपनी नेस्टी की एक बोतल गुड़की दी हुई है। ओ ये परिंदा से तो मुझे BTS वाले याद आ रहे हैं। मुझे उन्होंने इतनी हरकतें की थी इस तरह की उनके वो बोन वेज में, जिन्होंने देखा वह सीजन वो तो समझ सकते हैं कि मैं करने की क्या कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरे से ज़रा नहीं हो रहा। और अब हमने जैकेट्स पहन ली हैं क्योंकि ठंड लग रही है सबको। ये है जी समोसा चाट, मज़े की लग रही है। बताओ कैसी है, मज़े की है? ना सीने मामा के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि वो बंदा ना मामा स्विम कर रहा है और लाइफ गार्ड उसके साथ साथ खेल रहा है। यहाँ मतलब इतना सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है क्योंकि मामा का मुझे 3 दफ़ा आ चुका है पानी में ना जाना ना, तो मैंने कहा मैंने पानी में नहीं जाना, लेकिन मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। ईमान जो है वो स्टंट करने लगी है पानी में, आईफोन 14 प्रो मैक्स डालने लगी है। ईमान डालना था अल्लाह ईमान। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा, मैं तो ये रिस्क ना लूँ। बहन बहन बस बस पानी वो भी तुम्हें भेज, वो भी नहीं। हाँ मुझे भेज जरा जो बनाएंगे ना, क्योंकि लोगों ने मुझे कहना दिखाया। दिखा ऑन था दो ही बातें चल रही है। मैं बहुत ही अच्छा गाती हूँ, जिस जिसने मेरे से कुछ करवाना है तो मैं मुझे बताए चार्जिंग वाला ही ना हो जाए कोई मसला। मैं ऐसा पानी करती हूँ। हम, अब हम अंदर चले गए, हवा थोड़ी कम होगी, हवा कम होगी, हवा कम होगी। चले अब हम चल रहे हैं। अंकल आ रहे हैं? इतना बड़ा थैला हम साथ लेके आए थे, क्यों आए थे? अच्छा अच्छा इतना बड़ा थैला लेके जी मैं फिर रही हूँ यहाँ पे। ये माई जा रही है जी। माई जी हम बुढ़े हो गए हैं। माई जी और जी अब हम जा रहे हैं, आंटी पीछे रह गई। उधर जाना? अच्छा अल्लाह मुझे भी खेलना है ये। बीबियाँ भी खेल रही, तो बीबियों के साथ खेलना है। स्मूदी कैपेचिनो लाटे वो देखा।
मेरे से पूछा जा रहा था कि आप जो अपनी स्किन केयर रूटीन प्लीज शेयर कर दें, तो यहाँ पे मैं एक ही सनस्क्रीन लाई हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ग्लो SPF ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स की है, इसके ऊपर मम्मा का डिस्काउंट कोड भी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है, जब तक ये चलेगा मैंने इसको यूज़ करना है। ये टिंटेड सनस्क्रीन और इसका SPF भी ना 60 है, ठीक है ना। तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी इसके बहुत अच्छे हैं, और बाकी मॉइस्चराइजर मेरा एक ही है, ये मैं पाकिस्तान में यूज़ करती हूँ, यहाँ पे भी मैं ये दो लेकर आई हूँ, यही यूज़ कर रही हूँ। ये जो है ना स्किन ब्राइटनिंग के लिए है, और जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, तो इसका जो टेक्स्चर है ना वो भी बहुत क्रीमी है, इसका भी टेक्स्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लें, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का क्लियर सीरम है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। हुमा भाजी ने मुझे ये प्रोडक्ट्स दिए, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, ये मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अभी तक मैंने जाना एक दफ़ा यूज़ किया। पाकिस्तान में मैं हेयर ऑयल और फेस ऑयल यूज़ करती थी, शैम्पू मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी तक, तो सल्फेट फ्री है, ठीक है ना। आज मैं उनसे कह रही थी कि झाग नहीं बनी, तो वो कहती हैं क्योंकि ये सल्फेट फ्री है ना, ऑर्गेनिक है ना, तो ये ज़रा कॉस्टली होते हैं लेकिन होते बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो ये शैम्पू है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ FW ऑर्गेनिक्स का सेफ्रॉन एंड हनी फेस वॉश, ठीक है। हेल्दी ग्लोई स्किन के लिए होता है, इसके भी मेकअप जो है वो अच्छा रिमूव हो जाता है, और साथ में मैं क्लिनजिंग मिल्क ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर एक दिन छोड़ के जाओ आप क्लिनजिंग कर लें, या अगर किसी दिन फेस वॉश करना है तो फेस वॉश कर लेती हूँ, वरना क्लिनजिंग कर लेती हूँ। सीरम्स जो है वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी, ये भी जो है FW ऑर्गेनिक्स का ही है, ये मैं 3 बॉटल्स अपने साथ लाई थी, बहुत अच्छा सीरम है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स को मिटाने के लिए, एजिंग के साइंस के लिए बहुत अच्छा है। इन सब के ऊपर ना डिस्काउंट कोड भी है FW ऑर्गेनिक्स का, तो मैंने स्क्रीन पर लिखती हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नियासिनमाइड जो है वो पोर्स के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ब्लेमिशेस के लिए, पोर्स के लिए। नियासिनमाइड को अपनी ना रूटीन में जरूर रखा करें, एक दिन बंदा विटामिन सी लगा ले, एक दिन नियासिनमाइड लगा ले, एक दिन फेस ऑयल लगा ले। अगर मैं कहूँ ना कोई बेस्ट सीरम है जिससे मेरी जरूर एक्ने ठीक हुई है, मतलब आपने सिर्फ एक्ने पे लगाना होता है, स्पॉट ट्रीटमेंट होता है, तो ये फेस सीरम है, एंटी एक्ने फेस सीरम। गाइज इन सब में सबसे बेस्ट ये सीरम है, ठीक है ना। इसका कोड जो है वो मैंने लगा दिया, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पाकिस्तान में तो आप मंगवा सकते हैं, बाहर के जो लोग मुझे देखते हैं तो फिर मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल डिलीवरी करते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं ये स्पॉट थेरेपी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ आपको एक्ने हुई है वहाँ पर आप लगा लें, मैजिकली जो है ना अगले दिन आपका जो पिम्पल होता है ना वो गायब होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, फेस ऑयल जो है ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप सीरम यूज़ करना, सीरम बेसिकली जैसे वो एक्ने के लिए ना तो वो एक टारगेटेड चीज़ है, ये भी ब्राइट करते हैं आपकी स्किन को, या स्किन को ब्राइट करते हैं, स्मूथ करते हैं। क्योंकि अब मैं कनाडा में आ गई हूँ तो एनवायरनमेंट चेंज है, तो फिर मैंने ना यहाँ के भी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है ताकि मेरी स्किन ना उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो यही अभी मेरी स्किन की रूटीन है, अभी तो यही चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, यही अभी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे चेंज होती रहेंगी मुझे पता चलता रहेगा, तो फिर मैं वो जो है वो यूज़ करती रहूँगी। हम घर आ गए और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा आज मज़ा आया बीच पे, बहुत ही भाई मेरे बाल उड़ रहे थे, बस मेरी तस्वीरें वो नहीं बनी जो मैं चाहती थी। तो खैर, हम आज का दिन जो था मेरा बहुत इमोशनल था, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले जो मुझे इंस्टाग्राम से जानते थे, यूट्यूब से जानते थे। एक तो लड़की मुझे मिली, वो रोड क्रॉस कर रही थी और मैं बाहर उस वक्त बैठी हुई थी रेस्टोरेंट के बाहर, तो मामा उस वक्त वीडियो कॉल पे थी, तो उसने मामा के सामने मुझे मिली, कहती आपको मैं देख रही हूँ, आप आए हो, आपने परेशान नहीं होना, दिस एंड दैट। इतना मुझे मतलब मिल के समझाते हैं लोग कि मतलब आई जस्ट फील लाइक होम। तो फिर हम बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, तो एक और आंटी आई, वो कहती हैं कि आप रुशा हो, मैंने कहा नहीं मैं मलाइका हूँ। तो फिर वो उन्होंने मुझे इतना पहचाना, कहती मैंने दुआ मांगी थी कि मैं आपसे मिल लूँ, क्योंकि आप जो आए हुए हो पढ़ने के लिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। रात को एक फैमिली आई डिनर करने के लिए, वो मुझे मिले, वो फैमिली था, पहले तो हम नॉर्मल बात करते थे, उनके भी जो बच्चे थे ना वो उसी जगह जा रहे थे जहाँ मैंने पढ़ने जाना था, तो वैसे भी वो मेरे अंकल के रिलेटिव्स थे ना, तो मैं उनके साथ वैसे ही बैठ गई। तो आंटी कहती मैंने ना इसको कहीं देखा हुआ, इसको कहीं देखा हुआ, कहती अच्छा आप तो राशिदा मलिक की बेटी हैं, तो इट वॉज सच एन ऑनर। तो बस अब मतलब इतना ज़्यादा लोग फिर समझाते हैं, आगे से एडवाइसेस देते हैं, प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आता है जब भी ना मुझे लोग एडवाइसेस देते हैं कोई भी, कि ऐसे रखना है, इधर ख्याल रखना है, इससे दोस्ती नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मुझे ना ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाकी वो आप लोगों और सब ने आज मेरे ड्रेस की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की, उसकी वजह से मैं हुमा भाजी का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यारा जो है वो ड्रेस भेजा। मतलब रेस्टोरेंट में 2-3 लोग आए तो कहते हैं योर ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी, आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर ड्रेस। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू, मेरा तो कोई नहीं, मुझे तो स्टाइलिंग भी भाजी हुमा ने बताई थी कि ये पर्ल ईयरिंग्स पहनना, ये और ये देखी मैंने इधर पहना हुआ है, इधर मैंने पहना ही नहीं, क्योंकि ना मेरा बस ये मुझे लग रहा था कि खुला हुआ है, ये खुला ही नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। खैर, तो फिर उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, छोटा सा सिंपल सा व्लॉग था, इतना तो मैंने आज रिकॉर्ड ही नहीं किया,
तो खैर आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि जिस तरह लोग मिलते हैं ना और एडवाइसेस देते हैं, एडवाइसेस बेसिकली क्या थी कि स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है और इमोशनल होके नहीं सोचना है, मामा पापा को मिस करो। एक ने कहा कि एक आंटी ने कहा मामा को मिस करो तो मुझे कॉल कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मामा वहाँ पे है। तो मतलब यार किसी को कह देना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर खैर मैं इंस्टाग्राम पर उनके साथ अब कनेक्टेड हूँ सबके साथ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के डीएम्स पढ़ना। फिर मैंने रील्स एडिट की, सच्ची मैंने इतनी मुश्किल एक रील एडिट की ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो फिर आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।